इंश्योरेंस एजेंट द्वारा मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न। सर, ग्राहक टाल रहा है, क्या करें? हर ट्रेनिंग में, हर वेबिनार में ये प्रश्न जरूर आता है कि सर, पॉलिसी के लिए तो ग्राहक हाँ कर देता है, फिर घर जाता है तो मना कर देता है, फोन करते हैं तो मना कर देता है, टाल देता है, सर क्या करें, कुछ तो बताओ क्या करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि ग्राहक क्यों टालता है, उसके पीछे के चार कारण। उसके बाद आपको फॉलोअप में चार स्टेप कौन सी फॉलो करना चाहिए जिससे आप इस समस्या को कम कर सकें। साथ में एक स्टोरी भी शेयर करने वाला हूं ताकि आपको हेल्प मिले पॉलिसी लेने में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इंश्योरेंस एजेंट की सबसे बड़ी समस्या को लेकर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर जरूर देखना। दोस्तों, मैं अमित जैन, फाइनेंशियल एडवाइजर, सेल्स कोच, आप सभी का इस वीडियो में खूब खूब स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मुझे पता है आप सभी हर जगह इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंश्योर लीड पर वो सभी क्लाइंट लीड्स के रूप में मौजूद हैं। जल्दी से उन्हें कॉल कर आप पॉलिसी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंस्टॉल कीजिए इंश्योर लीड मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों, अब चलते हैं स्टॉलिंग की समस्या पर, लोग क्यों टालते हैं उसके ऊपर बात करने। तो पहले मैं आपसे चार कारण शेयर करूंगा जिसके कारण कोई भी ग्राहक आपको बार बार टालता है। दोस्तों, सबसे पहला कारण हो सकता है कि उसने प्रेशर में कमिटमेंट कर दिया। प्रेशर में कमिटमेंट, मान लो आप रिलेटिव, आप रिलेशन में हो, या बहुत ही नज़दीकी दोस्त के कोई रिश्तेदार हो, तो हो सकता है उसने हाँ कर दियो क्योंकि वो ना नहीं कर पा रहा हो तो हाँ कर दियो। लेकिन अब क्या करेगा, वो बार बार टालेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। सेकेंड नंबर पर उसके मन में कोई ऑब्जेक्शन हो। बार बार देखा गया है कि ग्राहक के मन में ऑब्जेक्शंस होते हैं बट वो पूछ नहीं पाता है, शर्मा शर्मी में पूछ नहीं पाता है, और इस कारण भी वो बार बार टालता है। मान लो कोई रिबेट के ऊपर ही वो बात करना चाहता हो लेकिन वो नहीं कर पा रहा, या और दूसरा कारण है जिसके ऊपर बात करना चाह रहा हो लेकिन नहीं कर पा रहा हो, तो उस समय भी वो बार बार टालता है। तीसरा नंबर, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मुझे पॉलिसी लेना है नहीं लेना है। वो बीच में है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। या फिर चौथे नंबर पर, वाकई उसके पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों, इन चारों प्रॉब्लम के कारण ही ग्राहक आपको टालता है। तो इसका चार स्टेप में सॉल्यूशन देना चाहता हूं मैं। सबसे पहली स्टेप, जब आप पहली मीटिंग करते हैं तो उस समय जब ग्राहक बोलता है मैं आप पॉलिसी जरूर लूंगा, आपसे ही लूंगा, तो पहले तो आप डेट ले लीजिए 100%, और आप लेते ही होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। सेकेंड स्टेप है, आपको उसी समय कॉल करना है, उसी डेट पे कॉल करना है, और ये नहीं पूछना है कि मैं कब आ सकता हूँ, सीधा बोलना कि मैं शाम को 4 बजे आ रहा हूँ। अब आप बोलेंगे 4 बजे आ रहा हूँ, हो सकता है वो आपको टाल दे और मना कर दे, सॉरी बोल दे, तो उस समय फिर नेक्स्ट डेट लेना जरूरी है। अब तीसरे नंबर की स्टेप है, वो है कि अब आपको उनको कॉल नहीं करना है, सीधे मिलने चले जाना है और वहीं पर बोल देना है कि यार इधर से निकल रहा था, सोचा मिलते चलूं, चेक लेते चलूं, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर कॉल करने की गलती मत करना, नहीं तो फिर से वो टाल सकता है। और अब वहाँ जाके अगर वो चेक दे देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता है तो फिर आपको ये चार कारण को पूरा क्लेरिफाई सामने वाले से करना है। कौन कौन से, सबसे पहले हो सकता है वो प्रेशर में हमको मना कर रहा हो, या फिर उसके मन में कोई ऑब्जेक्शन हो, निर्णय नहीं कर पा रहा हो, या फिर चौथे नंबर पर पैसे की प्रॉब्लम हो। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि यार मैंने अभी एक ट्रेनिंग अटेंड की थी और मेरे जो ट्रेनर हैं उन्होंने मुझे समझाया था कि हमारे जो ग्राहक है वो चार कारणों से पोस्टपोन करते हैं पॉलिसी को, तो वही कारण पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने पहला बताया था कि यार कोई रिलेटिव या रिलेशन के कारण भी कभी कभी कमिटमेंट हो जाता है लेकिन फिर ग्राहक पोस्टपोन करते हैं, तो क्या आप इस कारण से पोस्टपोन कर रहे हैं? क्या आपको कोई प्रेशर है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको प्रेशर में पॉलिसी दिखाई है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पॉलिसी दिखाई और आप पे प्रेशर डाला है कि आपको इसको लेना ही है? ऐसा जब आप पूछोगे, सामने वाला मैक्सिमम केसेस में बोलेगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर सेकंड नंबर पे कभी कभी आपके मन में कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं जो आप हमसे चर्चा नहीं कर पाते हो, तो क्या आपके मन में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है क्या? तो वहां पे इस तरह की चीजों को भी क्लेरिफाई करना है ताकि अगर उनके मन में कोई ऑब्जेक्शन है तो आप एक ऑब्जेक्शन के आंसर देने में एक्सपर्ट हैं, तो आप आंसर देके वहां पे उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो बोलता है नहीं ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे मन में,
तो फिर उनको बोलना। तीसरा कारण ये होता है कि कभी कभी जो ग्राहक होते हैं वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ले या नहीं ले, ले या नहीं ले, तो हो सकता है आप इस समस्या में भी हो। तो दोस्तों वहाँ पर ग्राहक बोल सकता है कि हाँ यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसी समय फिर आपको एक स्टोरी शेयर करना है। स्टोरी शेयर करना है, उनको बोलना है कि मेरा दोस्त है रमेश, उसको मैंने पॉलिसी दिखाई, पॉलिसी उसको लेना भी थी, अच्छी भी लगी, और वो टालता गया क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। लगभग 1.5 साल निकल गया। उसके बाद एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो करते हैं, लेकिन वो मेडिकली अनफिट हो गया, मतलब उसको शुगर आ गई और वो पॉलिसी उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि बीमारियों में पॉलिसी नहीं मिलती है। तो पॉलिसी उस समय ज़रूर लेना चाहिए जब आप फिट हों, जब सब स्थिति आपकी अच्छी हो, क्योंकि जिस समय पॉलिसी लेने का मन आपका बन रहा हो सकता है कि दूसरे कारणों से आपको पॉलिसी ही ना मिल पाए। तो ये निर्णय करना आज बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हो सकता है कि इन बातों से ग्राहक थोड़ा सा एक निर्णय करने के लिए अपने आप को पुश करे और हो सकता है वो पॉलिसी ले ले। या फिर चौथे नंबर पर उनको बोलना है, कभी कभी पैसों की समस्या आती है, तो क्या आपके साथ पैसों की समस्या आ रही है? तो बोलेंगे हाँ, तो फिर इस ऑब्जेक्शन को भी हमको हैंडल करना है। तो फिर उनसे पूछना है कि पैसा नहीं है या पैसा बच नहीं रहा है? मैक्सिमम केसेस में ग्राहक क्या बोलेगा? पैसा बच नहीं रहा है। तो उनको एक चीज़ बोलना है कि देखिए, एक चीज़ है जो कभी नहीं रुकती है, वो है खर्चा, जो आपका आज भी चल रहा है। आप जब कमाई नहीं कर रहे होंगे बुढ़ापे में, उस समय भी खर्चा चलेगा, और भगवान न करे बीच में आपको कुछ हो जाता है तो भी परिवार का ये जो खर्चा, ये चलता ही रहेगा। इसीलिए पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है और आज से ही ज़रूरी है। तो आप दूसरे खर्चे थोड़े से पोस्टपोन करके इसको शुरू कीजिए, क्योंकि देखा गया है कि जब हम पॉलिसी देते हैं तो ग्राहक नहीं लेता है, और जब ग्राहक को पॉलिसी चाहिए होती है तो कोई ना कोई ऐसी समस्या हो जाती है, मेडिकली अनफिट हो जाता है ग्राहक, या कुछ भी ऐसी समस्या हो जाती है जब कंपनी उसको पॉलिसी नहीं देती है। तो आज से शुरू करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से कोशिश कीजिएगा कि अपने ग्राहक से बात कीजिए, ताकि इन चारों प्रॉब्लम्स का आप उसके सामने हल पेश कर पाएँ और हो सकता है कि वो पॉलिसी ले ले। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की, अब इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि YouTube हो या Facebook हो, ये जो भी लाइक ज़्यादा मिलते हैं उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में वो हमारी मदद करते हैं। तो एक छोटी सी मदद आप भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, और कमेंट का तो मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा, ज़रूर देखना। और हाँ, हमारी एक फ्री ट्रेनिंग है मैक मनी थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। अभी तक आपने उस ट्रेनिंग को ज्वाइन किए नहीं किए, हर महीने ये फ्री ट्रेनिंग एक ही बार होती है, व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि इस फ्री ट्रेनिंग को आप भी ज्वाइन कर पाएं। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में आप सभी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थना, ब्लेसिंग्स, ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए।